सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा, आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न नाउ, चलो कुछ सीखते हैं, मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा सेशन है, ये डेली इंग्लिश बूस्टर डोज का सेशन है। इसमें हम आप लोगों को डेली इंग्लिश का एक छोटा सा डोज देते हैं, इंग्लिश की एक छोटी सी खुराक देते हैं, इंग्लिश का थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। और यदि आप रोजाना उसको थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप नेटिव स्पीकर्स की तरह इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे और इंग्लिश समझेंगे। इंग्लिश से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीजें हम सीखेंगे। देखिए, जब आपको इंग्लिश सीखनी होती है तो उसमें आपको दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला तो ये है कि आपको उसमें वर्ब्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्रियाएं आप काम में लेते हैं। उसके बाद आपको एडजेक्टिव्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एडजेक्टिव यदि आप सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश बोलने और लिखने की स्थिति में रहेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स वे शब्द होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। हम आप लोगों को बहुत सारे एडजेक्टिव्स बताने का प्रयास करेंगे, एक लंबी लिस्ट रहेगी एडजेक्टिव की, आप उनको अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बहुत अच्छी बना सकते हैं। जिस तरीके से हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉय, STRONG, स्ट्रॉन्ग बॉय। एक बार बोलिएगा बेटा, क्या वो लिखा हमने, स्ट्रॉन्ग बॉय, क्या लिखा हमने, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉय। बॉय। तो बॉय क्या है, इसमें नाउन है और ये बच्चा कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की, और बॉय क्या है, नाउन। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव ये कौन सा हो गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझ में आ गया एडजेक्टिव क्या होता है। अब हम आप लोगों को एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव आज पढ़ेंगे, उसको आप यूज करेंगे अपने लिखने में, यूज करेंगे दिन भर में, आप उसको 4-5 बार यूज करेंगे आज, तो आपको याद हो जाएगा। ये सेशन जो हमारा है, अ लिस्ट ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज एडजेक्टिव्स, हम इसमें पढ़ेंगे। रोजाना आपको कुछ न कुछ मिलेगा, डेली इंग्लिश बूस्टर डोज में कुछ न कुछ मिलेगा। आज हम पहला जो एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं वो क्या है, पहले स्पेलिंग बोलेंगे सब उसकी, ADORABLE। बोलो भाई स्पेलिंग बोलो उसकी, ADORABLE। इसको बोलते हैं एडोरेबल। क्या बोलते हैं इसको, एडोरेबल। एडोरेबल देखो, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको लिखा है ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए आपको बोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, एडोरेबल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एडोरेबल बोलेंगे इसको, एडोरेबल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एडोरेबल, एडोरेबल। ठीक है, एडोरेबल बोलेंगे इसको। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखेंगे। स्पेलिंग हमने देख ली, एडोरेबल, इसका मतलब होता है ये यूज्ड विद चिल्ड्रन एनिमल्स, ज्यादातर ये बच्चों के लिए यूज होता है या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए भी यूज होता है। ये वो चीज कैसी, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, वेरी अट्रैक्टिव। एडोरेबल का मतलब क्या होता है, वेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो आपको दिखने में अच्छा लगता हो, जो आपको आकर्षित करता हो, उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव कहते हैं। या फिर इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब तो बहुत ज्यादा, चार्मिंग, चार्मिंग यानी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता हो, या फिर अपीलिंग, जो आपके मन को अच्छा लगता हो, आपके मन को अपील करता हो, आपके मन तक वो बात पहुंचती हो, उसको क्या कहते हैं, एडोरेबल कहते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि बहुत सुंदर जो आपको लगता हो उसको क्या कहते हैं, एडोरेबल कहते हैं। हमने इसको हिंदी में भी लिख के दिया आपके लिए, स्नेह की भावना जगाने वाला, यानी स्नेह यानी होता है प्रेम, आपको वो चीज ऐसी लगे कि जिसके लिए आपके मन में प्रेम हो जाए, जिसके लिए आपको मन में अच्छा लगे, मन मोहक। हिंदी में एक शब्द होता है मन मोहक, मन यानी मन होता है, मोहक यानी मन को अच्छा लगने वाला, उसको क्या कहते हैं, बोलो भाई क्या कहते हैं उसको, मनमोहक, मन मोहक। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, वर्ड को बोलेगा, एडोरेबल। एडोरेबल, दो तीन बार बोलिएगा वर्ड को, याद रह जाएगा। क्या बोलते हैं, एडोरेबल, क्या बोलते हैं, एडोरेबल, एडोरेबल। क्या बोलते हैं, एडोरेबल। एडोरेबल। अब देखो इसको यूज करेंगे हम सेंटेंस, इसको पहला सेंटेंस, ओ व्हाट एन एडोरेबल लिटिल बेबी। क्या
कितना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। आपको कोई बच्चा दिखा छोटा सा, वो बच्चा आपको कैसा लगा? बहुत ही प्यारा सुंदर बच्चा लगा आपको, आपके मन को अच्छा लगने वाला लगा। तो आप सब क्या बोलोगे? ओह व्हाट एन एडोरेबल लिटिल बेबी, कितना सुंदर छोटा सा बच्चा है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहते हैं? ओह व्हाट एन एडोरेबल लिटिल बेबी, कितना छोटा सुंदर सा बच्चा है। मानो भीमेंद्र तेरे को बच्चा नहीं दिखा, तेरे को एक पप्पी दिख गया। क्या दिख गया? पप्पी दिख गया, क्योंकि तेरे को बहुत पसंद है और वो बहुत सुंदर है। तो क्या कहेगा? ओह व्हाट एन एडोरेबल लिटिल पप्पी, कितना छोटा सा बच्चा है। कुत्ते का बच्चा है उसको क्या कहते हैं? पप्पी कहते हैं, ठीक है। और देखो भाई, एन एडोरेबल चाइल्ड, छोटा बच्चा आपको दिखता है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? एन एडोरेबल चाइल्ड। इससे आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधार सकते हैं, अच्छे वर्ड यूज करेंगे। आप कहेंगे वेरी ब्यूटीफुल बेबी, आप ये भी तो कहेंगे ना वेरी ब्यूटीफुल बेबी, तो ये सुंदर ठीक है ये शब्द भी, लेकिन इससे और अच्छी अंग्रेजी जब आप बोलना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? ओह व्हाट एन एडोरेबल चाइल्ड, कितना सुंदर सा बच्चा है। देखिए एन एडोरेबल, एक और ध्यान देखना, एन का यूज हो रहा है सबके साथ क्योंकि ए है, ठीक है। एन एडोरेबल हाउस, कॉटेज की जगह आप क्या लिख सकते हैं? हाउस कर सकते हैं। अभी अपना जो घर है अपने को बहुत सुंदर लग रहा है, तो अपन क्या कहेंगे? यस एन एडोरेबल हाउस, एन एडोरेबल कॉटेज, किसी की झोपड़ी है कॉटेज, ठीक है। समझ में आ गया भाई यूज कैसे करते हैं? क्या भूल सकते हो एडोरेबल वर्ड? नहीं भूल सकते ना। तो आज पूरे दिन क्या यूज करेंगे? एडोरेबल यूज करेंगे, सेंटेंस यूज करेंगे धीरे धीरे धीरे। देखो बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि आपको अंग्रेजी 5 दिन में सिखा देंगे, 10 दिन में सिखा देंगे, नहीं सीखी जा सकती बेटा। भाषा है, इसको धीरे धीरे करके अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो आपको इस तरीके से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आगे देखो सेंटेंस यूज करते हैं, दे लिव इन एडोरेबल लिटिल कॉटेज। दे वे रहते हैं, लिव यानी रहना, कहाँ रहते हैं वो? इन एन एडोरेबल लिटिल कॉटेज, छोटी सी प्यारी सी झोंपड़ी या घर में रहते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन? बोलो भाई, दे लिव, लिव लिव एल आई वी ई, देखो इसको क्या कहते हैं बेटा? लिव कहते हैं। लिव यानी क्या होता है? रहना। दे लिव इन एडोरेबल लिटिल कॉटेज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, व्हाट एन एडोरेबल ओल्ड लेडी, सो काइंड एंड स्वीट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट एन एडोरेबल लिटिल लेडी, एक एडोरेबल बहुत सुंदर बहुत प्यारी बहुत अच्छी ओल्ड लेडी है, सो काइंड, काइंड होती है दयालु, एंड स्वीट और अच्छी भी है। अब इतने से ही काम नहीं चलेगा अपना, अपन क्या करेंगे इसको थोड़ा और समझते हैं और क्या करते हैं इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी जानने का प्रयास करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलियर वर्ड, एंटोनिम्स का मतलब होता है इसके अपोजिट वर्ड। यानी हम एडोरेबल को आज अच्छे से समझेंगे, एडोरेबल को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सिनोनिम्स देखते हैं, सबसे पहले डार्लिंग, ये वर्ड तो आप बहुत बार सुनते हो, डार्लिंग यानी जिसको आपको बहुत अच्छा लगता है उसको आप क्या कहते हैं? डार्लिंग कहते हैं, डी ए आर एल आई एन जी, डार्लिंग कहते हैं। या फिर क्या कहते हैं? डियर, डी ई ए आर, डियर नहीं कहते हो? माई डियर मॉम, माई डियर ब्रदर, माई डियर सिस्टर कहते हो ना आप लोग, तो डियर का मतलब एडोरेबल होता है। डिसआर्मिंग, ये भी क्या होता है? बहुत सुंदर लगने वाला। इंडियरिंग, एक वर्ड ये बहुत बार यूज होता है, इंडियरिंग, ई एन डी ई ए आर आई एन सी, इंडियरिंग, ये भी क्या होता है? बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत आपके लिए जो प्रिय होता है उसको इंडियरिंग कहते हैं। लवेबल, लव एबल, प्यार करने योग्य, जो आपको प्यारा लगता हो बहुत सुंदर लगता हो। लव यानी क्या होता है? प्यार करना, उसी से क्या बनाया हुआ है? लव एबल बनाया हुआ है। क्या बनाया भाई? लव एबल, इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कई कई बार लवेबल की जगह एक वर्ड आता है लव सम, ठीक है। प्रेसस, एक वर्ड होता है प्रेसस, पी आर ए सी आई ओ यू एस, प्रेसस का मतलब होता है जो बहुत अच्छा लगता हो आपको, क्या लगता हो? बहुत अच्छा, बहुत कीमती जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेसस कहते हैं। एक वर्ड तो सुंदर सा है, स्वीट, स्वीट बेबी, सुंदर सा बच्चा। विनिंग, जो आपका मन जीत लेता हो, विनसम, ये सब किसके सिमिलियर वर्ड थे भाई? बोलेगा किसके वर्ड थे? Adorable. आप क्या पढ़ा आज अपने, बताइएगा, भूल तो नहीं गए कहीं? क्या पढ़ा? Adorable. क्या पढ़ा? एडोरेबल। कितने सारे वर्ड हमने एडोरेबल के, जो आपको अच्छा नहीं लगता हो
जो आपको बुरा लगता हो, जिससे आपको घृणा होती हो, अब हम उसके पढ़ेंगे। वो इसका अपोजिट वर्ड होंगे, एंटोनिम्स पढ़ेंगे। देखिए एबोरेंट, ए बी एच ओ डबल आर ई एन टी, एबोरेंट। अबोमिनेबल, ये घृणित होते हैं, वो प्यारा लगने वाला, और इनका मतलब क्या होता है, घृणित होता है। अबोमिनेबल क्या होता है, अबोमिनेबल, ए बी ओ एम आई एन ए टी एल ई, अबोमिनेबल। डिटेस्टेबल, घृणित। डिटेस्टेबल, डी ए टी एस, डिटेस्टेबल। देखो यदि आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, तो इन वर्ड्स के यूज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो वर्ड हम आपको करवा रहे हैं, इन वर्ड्स के यूज़, इनके क्योंकि जो वर्ड मैंने आपको पढ़ा एडोरेबल उसके मैंने लिख दिया। बाकी के जो भी वर्ड आपको अच्छा लगता है उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसके यूज़ लिखें। हेटफुल, एच ए टी, हेट। हेट एन क्या होता है, घृणा करना, उससे क्या बनाया हुआ है, हेटफुल, घृणित। लॉथसम, लॉथसम भी क्या होता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता हो। ओड्स, ये भी क्या होता है, घृणित होता है। अनलवेबल, ये भी घृणित होता है। अब देखते हैं अपन, इसमें हमने पढ़ा एडजेक्टिव, अब इसी से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच बनते हैं, एडोरेबिलिटी। यदि आपको एडजेक्टिव से नाउन बनाना पड़े एडोरेबल का, तो नाउन बनेगा एडोरेबिलिटी, यानी द क्वालिटी ऑफ लविंग, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, एडोरेबिलिटी, उसकी क्वालिटी जो है वो क्या कहलाएगी, एडोरेबिलिटी कहलाएगी। या फिर एडोरेबलनेस, एडोरेबलनेस इसका, और एडोरेबली ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो सार क्या बन जाएगी, एडोरेबली, एडोरेबली क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। तो आज हमने ये सीखने का प्रयास किया, क्या सीखने का प्रयास किया भाई, आज हमने एक एडजेक्टिव लिया एडोरेबल, उसको ठीक से यूज करके देखा। आप सब लोग भी इसको क्या करें, अच्छे से सीखें, अच्छे से इसका यूज करें। और यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो अपने साथियों तक इसको जरूर पहुंचा दें, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।